फाइनली फतुला पहुंच गए हैं। और भाई जब फतुला मैं ऊपर टॉप पे जब पहुंचा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना खुद का स्टिकर भी लगाया, सबका राइडर लोग का पर स्टिकर था तो मैं खुद का भी स्टिकर लगा दिया हूँ। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अमित सिंह, मैं निकला इंडिया बूटा नेपाल बाईसाइकिल। फाइनली मैं लेह से 120 किलोमीटर पहले हूँ और कल ना इस जगह पे स्टे किया था इस घर में, और अभी मैं निकल रहा हूँ लेह के लिए। लेह अभी भी शायद आज पहुँच पाऊँगा नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिल एरिया है। तो फिलहाल मैं इधर ही घर में रुका था और इस घर से भी निकल रहा हूँ सुबह सुबह। तो फिलहाल निकल गया हूँ राइड पे और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। सिर्फ पानी का पानी नहीं है रास्ता में, और एक बोतल तो भी भर लिया हूँ। आगे देखता हूँ क्या होता है सिस्टम। पानी बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है थोड़ा, इतना ज़्यादा हिल काटना और पानी अगर नहीं पियोगे तो थोड़ी फिर ख़त्म। तभी हम फतुला पार कर रहे हैं और थाईलैंड का कुछ लोग मिले। हेलो हेलो, थाईलैंड से 22 लोग हैं टोटल और अभी एक साथ चल रहे हैं, आगे पीछे सब लोग हैं और फतुला भी पार कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, पर धीरे धीरे ट्रैक कर रहा हूँ। आगे एक बंदा है और ये फतुला हो गया। हेलो सर, हेलो। और इन लोगों के पास कार भी है, दो, एक पिकअप है। और हेलो हेलो, इन लोग असली सारा सामान गाड़ी में इन लोग का है। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? फाइन। हेलो, नाइस जर्नी। फ्रॉम इंडिया? या कलकत्ता। कलकत्ता? कलकत्ता या। भाई फाइनली हम लोग फतुला पहुंच गए और इन लोग देखो, इन लोग इंजॉयमेंट कर रही है सब लोग यार एक साथ। और फिलहाल इन लोग के साथ देखो एक कार भी है, मजा आ रहा है एक साथ। अभी अकेलापन नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है कि सब लोग साथ में हैं। बट इन लोग ले तक है, इन लोग ले के बाद प्लेन से निकल जाएंगे दिल्ली और उसके बाद थाईलैंड। गाइस फतुला फाइनली पहुंच गया हूं और ये फतुला टॉप, जो फतुला एकदम टॉप जगह। और भाई जब फतुला मैं ऊपर टॉप पे जब पहुंचा हूं तो मैं यहां पे अपना खुद का स्टिकर भी लगाया, सबका राइडर लोग का यहाँ पर स्टिकर था तो मैं खुद का भी स्टिकर लगा दिया हूं। देख सकते हो मेरा स्टिकर है, उसी का मेरा ब्लॉक्स एंड इसका स्कैनर भी मेरा है, जो मैंने चार लगा दिया टोटल, चार पाँच। और इस जगह का व्यू काफ़ी लग रही है। फाइनली फतुला पहुंच गए हैं और भाई लोग से मीटअप हुआ है, मज़ा आ गया पंजाब से और हिमाचल से। और अच्छा लगा यार, लग रहा है कि अब सोलो राइड नहीं कर रहा हूँ, अब लग रहा है कि भाई लोग हैं एक साथ में। और फतुला फाइनली पहुंच गया हूँ। मैं फतुला पहुँचे कोलकाता से। भैया अच्छा, यहाँ पे लद्दाख में सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? यहाँ पे तो आप अप्रैल और सेप्टेम्बर एंडिंग तक यहाँ पर बैठ सकते हैं, बहुत बढ़िया मौसम होता है। उसके बाद सेप्टेम्बर अक्टूबर एंडिंग तक तो यहाँ अक्टूबर एंडिंग होता है ना, अक्टूबर एंडिंग तक यहाँ पे बर्फबारी, मतलब मौसम ख़राब हो जाती है, ठंडी यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो जाता है मार्च अप्रैल तक। अच्छा, उसके बाद फिर से आपका मतलब घर कहाँ है? वो लद्दाख में तो कारगिल का हूँ, मद्रास से। अच्छा, मद्रास से हो गया, मद्रास से आप मद्रास में भी देख सकते हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा सीन है। आप यहाँ टाइगर हिल में देखा, आगे जाके आप मून लेन देख सकते हो। मून लेन? अच्छा, तो आप लोगों को मून लेन भी दिखाएंगे। और बस मजा आ रहा है लद्दाख, मेरा सेकंड टाइम। बढ़िया है, आपको बहुत आपको देखिए मोटिवेशन मिलेगा कि आप एक साइकिल पे वहाँ से, कहाँ से आप? कोलकाता से। कोलकाता से यहाँ तक 21,000 किलोमीटर आज कंप्लीट कर चुका। ओके, थैंक यू। उतर रहे हैं फतुला टॉप से और थाईलैंड वाला लोग सब अभी पीछे में है। और उस जगह पे अच्छा लगा मेरे को फतुला टॉप में, अभी नीचे उतरना फतुला टॉप से। और अभी लंच कर लिया हूँ, लंच करके आगे निकल रहा हूँ ले के लिए। और जो सारा बंदे थे उस अलग ही अपना अपना लंच करके अभी तरह से निकल रहा हूँ फिलहाल। तो फाइनली निकल गया हूँ और ये देखो, ये
इधर येलो, इधर पिंक, पीच कलर का पहाड़ अलग अलग कलर में दिख रहा है इधर। हाँ तो गाइस 6 बज गया है, 6:10 पूरा, और बीच में 2 गांव रुकने का मिला था, बट क्या ना वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं था, बट आगे देखते हैं मिलता कि नहीं है, क्योंकि बीच में मिला था बट वहाँ पे फौजी मतलब कैंप था, वहाँ पे रुकना अलाउड। अभी एक आगे गांव शायद मिलने वाला है जो 5 किलोमीटर में है, देखते हैं वहाँ पे एयरटेल शायद है तो सही रहेगा फिर, क्योंकि वीडियो अपलोड कर लेता हूँ ना, स्टोरेज का प्रॉब्लम चलता है मेरा काफ़ी ज़्यादा। गाइस फाइनली जाके कैंपिंग कर लिया हूँ, जगह मिल गया है और काफ़ी बुरी हालत आज हो गया है, और लगभग 3 से 4 दिन हो गया नहाया हुआ, अभी तक नहाया नहीं, बस मुंह और पैर धो के हर दिन सोना पड़ रहा है, क्योंकि ना कुछ ऑप्शन नहीं हो रहा, लद्दाख में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है और रिवर्स है, पर रिवर्स वाला बहुत ज़्यादा गंदा पानी है। फिलहाल अभी ऐसे ही चलना पड़ेगा और लेह में जाके कल नहाऊँगा, फाइनली कल लेह पहुँच जाऊँगा। तो वीडियो एंड करता हूँ, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और सपोर्ट ज़रूर करना भाई को।